श्री परमात्मने नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम श्री ऋषिभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुल में आप सभी महान भावों का हार्दिक स्वागत है मित्रों वर्णोच्चारण शिक्षा की आज हम छठी कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं गत कक्षा में हमने बहुत कुछ सीख लिया गत कक्षाओं में हमने जो गत कक्षा थी बीती हुई जो कक्षा थी उसमें हमने सभी तिरसठ जो देवनागरी वर्णमाला में अक्षर होते हैं उनको अच्छी प्रकार से समझ लिया था और कुछ संयुक्त अक्षरों को भी जान लिया था कि किस प्रकार से ये बनते हैं अब इस पुस्तक के अनुसार हम आगे पढ़ते हैं आज हम आरंभ करते हैं स्वरों का लक्षण स्वरों का लक्षण क्या है शास्त्र के अंदर ये बतलाएंगे तो कहते हैं स्वरों का लक्षण बता रहे हैं महाभाष्य का वचन देते हुए स्वयं राजंत इति स्वरा कहते हैं कि स्वर स्वर मीन्स वॉवल्स तो उनका लक्षण क्या है उनकी डेफिनेशन क्या है बहुत ही सरल बता दीजिए कहा कि स्वयं राजंत इति स्वरा माने जो स्वयं अकेले उच्चरित हो सकते हैं या जो अकेले उच्चरित होते हैं जिनका अकेले का उच्चारण किया जा सकता है ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं जी बोलो स्वर तो वही कहा जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों के सहाय की अपेक्षा न हो वे स्वर कहलाते हैं बहुत सरल परिभाषा है तो आज से आपको समझ जाना है स्वर मींस जो अकेले बोले जा सकते हैं जैसे अब देखिएगा आपका ये आ है हम आ को अकेला बोल सकते हैं इसी प्रकार से ये को भी बोल सकते हैं इसी प्रकार से ई को भी बोल सकते हैं इसलिए ये स्वर है इनको अकेले अकेले बोला जा सकता है परंतु आगे जो ये 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 का इसको नहीं अकेला बोल सकते इसमें कोई स्वर लगाना ही पड़ेगा हाँ तो ये व्यंजन है तो इसकी परिभाषा भी आगे बताएंगे पर स्वरों की परिभाषा बताई कि जो स्वयं अकेले उच्चरित हो सकते हों अर्थात जिनका अकेले का बिना किसी वर्ण के सहयोग से हम उच्चारण कर सकते हों वे सभी वर्ण क्या कहलाते हैं स्वर अब आइएगा स्वरों की संज्ञा ये स्वर बता दिए स्वर आपके अ से लेकर के औ तक के जितने भी ये वर्ण हैं वह स्वर हैं अब आइएगा आगे कहते हैं स्वरों की संज्ञा इनका नाम भी रखा हुआ है इनका नाम रखा हुआ है क्या नाम रखा हुआ है जी मैंने पहले ही बताया है कहते हैं अष्टाध्यायी का सूत्र है प्रथम अध्याय के प्रथम द्वितीय का सत्ताईसवां सूत्र ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुत इसका अर्थ सामान्य देखेंगे हम अभी कुछ आपको विशेष नहीं बताएंगे इसका अर्थ है स्वरों की ह्रस्व दीर्घ और प्लुत भेद से तीन संज्ञाएं हैं अर्थात हम स्वरों को मान ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये हमने पीछे भी चार्ट में देखा था तो ये तीन नाम होते हैं स्वरों के ये व्यंजनों के नहीं होते ये स्वरों के होते हैं इनके उच्चारण समय का लक्षण यह है कि जितने समय में अंगुष्ठ के मूल की नाड़ी की गति एक बार होती है उतने समय में ह्रस्व उससे दूने काल में दीर्घ और उसके तिगुने काल में प्लुत का उच्चारण करना चाहिए ये मैंने आपको बतला दिया था ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपनी तरफ से लिख रहे हैं कि ह्रस्व की परिभाषा है ये जो हम हाँ स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी जितने समय में एक बार धड़कती है उतने समय में ह्रस्व वर्ण का उच्चारण किया जाना चाहिए इसी प्रकार से दो बार धड़कने के समय में दीर्घ का और तीन बार के समय में प्लुत का और आचार्य अन्य आचार्य लोगों ने भी परिभाषा बताई है जैसा कि मैंने बताया आपको एक बार चुटकी के काल में ह्रस्व दो बार चुटकी के काल में दीर्घ और तीन बार चुटकी के काल में प्लुत। इसी प्रकार से पलक झपकने का भी काल बताया एक बार पलक झपकने के काल में ह्रस्व दो बार झपकने के काल में दीर्घ और तीन बार पलक झपकने के काल में जी पुलुक तो ये परिभाषाएं भी हैं सबका एक ही अर्थ है अब आइएगा कहते हैं और स्वरों के उदात्तादि गुण भी होते हैं स्वर उदात अर्थात ये आपको और आगे जैसे वेदों में हम सुनते हैं आप लोग भी सुनते होंगे जी ये स्वर के साथ में मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो स्वर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं उदात्त अनुदात्त और स्वरित तो ये आगे बता रहे हैं कि उदात्त क्या होता है अनुदात्त क्या होता है और स्वरित क्या होता है सरल भाषा में ये विशेष में नहीं जाएंगे अभी और हम भी आपको सरल में बताएंगे तो अष्टाध्यायी का सूत्र लेकर के कहते हैं उच्च ऊर्द ध्वनि से जो अक्षर बोले जाते हैं ये उदात्त जो स्वर हैं, वो यदि हम ऊंची ध्वनि से बोलते हैं तो वही स्वर कैसा हो जाता है उदात नीचे अनुदाता और थोड़ा सा नीचे करके बोलते हल्का सा वही स्वर अनुदात्त हो जाता है और समाह कहलाता है अर्थात जो ना बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा है स्लो है मध्यम ध्वनि से बोला गया जो स्वर होता है वो स्वरित कहलाता है ये मोटी सी परिभाषा है इसको आप अवश्य समझ लीजिएगा उदात्तमीस ऊंची ध्वनि से बोला गया स्वर अनुदात मीस नीची ध्वनि से बोला गया स्वर और स्वरित मीस मध्यम ध्वनि से बोला गया स्वर राइट और आगे कहते हैं हृस्वम लघु ये व्याकरण की बातें हैं आपको जितना समझ में आया उतना काफी है इतनी महत्वपूर्ण आपके लिए अभी नहीं है जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तब आपके लिए महत्वपूर्ण है तो कहते हैं ह्रस्वम लघु जो ह्रस्व बताया था एक नाम उसका आचार्य पांडे जी ने और रख दिया है उसको लघु भी बोलते हैं भाई तुम्हारा नाम हम रख देते हैं लघु तो ह्रस्वम लघु मैंने ह्रस्व स्वर की लघु संज्ञा भी होती है लघु नाम भी रख दिया राइट और कहते और एक गुरु और और नाम रख रहे हैं 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 उसका उसी का नाम एक और रख रहे का कहते जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग परे हो तो पूर्व ह्रस्व अच्छ जो हरस्व स्वर है गुरु संज्ञा हो जाती है जी इसको मैं थोड़ा सा आपको बतला देता हूं जैसे आपके पास में यह है अंग शब्द है अंग ये तो ये क्या है वर्ण है आपका ये है। इसके पीछे संयोग दो व्यंजन आपस में लगातार मिले हुए हो उनके बीच में कोई स्वर ना हो तो वो क्या होते हैं संयोग तो आप देखिए न और गा ये दोनों मिले हुए हैं और इससे पूर्व में ये ह्रस्व है तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा जी एक और गुरु इसको गुरु भी बोलेंगे तो इसके कितने नाम हो गए जी ये ह्रस्व भी हो गया ये लघु भी हो गया ये गुरु भी हो गया स्थिति विशेष में हर जगह नहीं स्थिति विशेष में ये गुरु भी हो गया और ये उदात्त भी हो जाता है और ये अनुदात्त भी हो जाता है स्वरित भी हो जाता है बहुत सारे नाम रख दिए जी आचार्य पांडे जी बहुत बड़े पंडित जी नामकरण करने में वो परफेक्ट है जी नाम रख देते हैं। बहुत नाम रखते हैं बहुत नाम रखते हैं जी तो अब आइएगा आगे तो दिखाते हैं जैसे विप्रह यहां वकार में इकार की गुरु संज्ञा है क्योंकि इसके परे पकार और रेप का संयोग है बिल्कुल सही दिखाया इन्होंने विप्र मैंने आपको दूसरा दिखाया था इन्होंने विप्राह तो आप देखिएगा इसमें इस प्रकार से क्रम है व ई प और आ और विसर्ग अब देखिएगा ये व के बाद ई है ये ह्रस्व ई है और इसके बाद में पा और रा, ये क्या है दो व्यंजन है तो दो व्यंजन संयोग हो गया और संयोग से पूर्व में ह्रस्व को क्या होता है सूत्र से इसको गुरु हो जाता है ये गुरु इसका नाम रख दिया जी तो ये व्याकरण के लिए लोक में इनका प्रयोग नहीं है व्याकरण में कुछ कार्य करने होते हैं तो इसलिए आचार्य पांडि जी इनके कई नाम रखते हैं आइएगा ये आपको समझ में नहीं आए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है ये आपके लिए मुख्य नहीं है मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ये चीज मुख्य नहीं है जो चीज मुख्य मैं आपको बता देता हूं ये मुख्य है परंतु तो आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है आगे देखिएगा दीर्घमचा ये भी सूत्र है सब अष्टाध्यायी के सूत्र है, कहते है और दीर्घ की भी गुरु संज्ञा हो जाती है गुरु नाम का रख दिया संयोग के परे रहते और कह रहे हैं जी कि यदि दीर्घ वर्ण है कोई तो उसको भी बिना संयोग रहते हुए संयोग ना हो तो भी उसका नाम रख दिया जी ये भी गुरु महाराज जी है इनको भी गुरु मान लेते हैं <laughs> तो कहते हैं और दीर्घ की भी गुरु संज्ञा होती है और आगे देखिएगा नंतरा संयोग तो ये सामान्य रूप से समझ लीजिएगा हल का अर्थ है व्यंजन का अर्थ क्या व्यंजन व्याकरण में तो अनंतराह माने ऐसे व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर ना आता हो तो वो व्यंजन उन व्यंजनों की क्या होती है जी संयोग संज्ञा एक संयोग नाम रख दिया है आचार्य पाणनी जी महाराज जी ने तो इतना ही समझना है आपको अनंतर अर्थात अचों का जो व्यवधान होता है उससे रहित हलों की संयोग संज्ञा है तो बीच में अचना है तो उन सभी व्यंजनों की संयोग संज्ञा हो जाती है ये सामान्य चीज है अब आइएगा ये तो स्वरों की बात बता दे इन्होंने अब कहते हैं जी व्यंजनों का लक्षण क्या है भाई व्यंजन की पहचान कैसे करें तो कहते व्यंजन महावाष्य का वचन है बहुत व्यंजन की पहचान कहते हैं जिनका उच्चारण बिना स्वर मान बिना वोवेल्स के नहीं हो सकता है वे सभी वर्ण क्या कहलाते हैं व्यंजन मैंने बताया आपको अब ये आप इस क या ख को अकेले कभी उच्चारण नहीं कर सकते हैं इनके आगे पीछे आपको कोई स्वर लगाना पड़ेगा या तो आपको ऐसे क कहना पड़ेगा या आपको की कहना पड़ेगा या कु कहना पड़ेगा कोई स्वर लगाना पड़ेगा अथवा इसके आगे कोई स्वर लगाना पड़ेगा अक अथवा एक कुछ न कुछ तो लगाना पड़ेगा आपको आगे या पीछे तभी इनका उच्चारण हो सकता है अकेले का नहीं हो सकता इसलिए ये क्या कहलाते व्यंजनम अर्था ये पीछे चलने वाले होते हैं ये स्वरों के पीछे चलते हैं ये स्वरों के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ सकते हैं तो इसलिए इनको व्यंजन बोलते हैं तो आज हमने इस कक्षा में स्वर और व्यंजनों को जाना कि स्वर किनको बोलते हैं और स्वर कैसे कितने प्रकार के होते हैं ये और व्यंजन किसको बोलते हैं ये मोटा मोटा जान लिया है इसमें से जो जो लोग संस्कृत से सर्वथा अनभिज्ञ हैं उनको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो भी उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये जो आज का विषय था ये मुख्य रूप से संस्कृत विषय में कार्य आता है ये लौकिक व्यवहार में कार्य कम आता है आता है, थोड़ा सा आता है इसलिए आगे की कक्षाएं आपके लिए अब महत्वपूर्ण होने वाली हैं चिंता मत करिएगा उत्साह के साथ में दृढ़ संकल्प के साथ में नव ऊर्जा के साथ में ऊर्जावान होकर के इन कक्षाओं को आपको पढ़ना है और जन जन को पढ़ाना है महर्षि पाणिनि की विद्या को जन जन को बताना है महर्षि का जो विज्ञान है उसको पुनः संसार में स्थापित करना है अविद्या को हटाना है विद्या का प्रकाश करना है आइएगा अब हम इस कक्षा को यही विराम देते हैं सर्वेभ्यो नमो नमः